बिक्रम मजीठिया ते FIR दर्ज होने दे मामले नूं लै के सियासत पखदी जा रही है। इस मामले नूं लै के कांग्रेस आगुआ ने कहा कि DGP सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय वालों जिहड़ा कार्रवाई करते हुए मजीठिया ते मामला दर्ज किया है वह एक सलाघायोग कदम है। उन्होंने श्रोमणी अकाली दल से आरोप लगाते हुए कहा कि श्रोमणी अकाली दल वालों हमेशा ही पंजाब के अफसरों को धमकियां दित्तियां जांदियां रहियां हन। अते होर भी कई कांग्रेसी आगुआ ने इस मामले नूं लै के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उधर दूजे पासे साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि सानू की पता सी कि बदलाखोरी दी भावना नाल यह मामला दर्ज करना है, इस करके ही DGP तीन तीन बार बदले जा रहे हैं। नाल ही SDPC दी साबका प्रधान बीबी जगीर कौर ने भी इस मामले ते अपना बयान देंदे हुए कहा कांग्रेस अपनी सियासी बदलाखोरी दे तहत काम कर रही है अते बिक्रम सिंह मजीठिया ते झूठा केस दर्ज कीता है। मैं कोमल खन्ना जनरल सकत्तर पंजाब कांग्रेस आई पूरा प्रधान लुधियाना यूथ कांग्रेस। मैं यो कहना चाहना जो बोगे वो पाओगे, तेरा किया तेरे सामने आएगा, सच्चाई की हुई जीत है। क्योंकि शुरू तो ही असी कह रहे हैं कि विक्रम मजीठिया एक ऐसा बंदा है, उन्हें ही पंजाब चिट्टे नाम का नशा लिया जिन्हों मजीठिया चिट्टे के नाम से मशहूर है। तो साढ़े जड़े विजिलेंस दे हरप्रीत सिद्धू है जिन्होंने रिपोर्ट दी बिल्कुल सही दी है, क्योंकि कई सालों तो असी कह रहे कि यह बंदा बिक्रम मजीठिया चिट्टे का तस्कर है, पंजाब नशा यह लिया जी FIR हुई है। असी बिल्कुल अदे नाल सच्चाई की जित हुई है, जल्दी ही इनू पकड़ के बिक्रम मजीठी को जेल में पाया जाना चाहिए ताकि पंजाब नशे का रोकथाम बिल्कुल बंद होवे, पंजाब के नौजवान फिर खुशहाल हो। मैं परमिंदर मेहता कांग्रेसी आगू अज पंजाब दी जिहड़ी एक नुहार दे उत्ते कलंक सीगा ड्रग्स दा, उस कलंक नूं मिटाउण लई पंजाब दे सतकार जो DGP सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने एक बहुत ही मजबूत कदम चुकिया है जिहदी असीं सलाघा करदे हां। और ये गल कहिंदे भी असीं संकोच नहीं करदे कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे सिपा सालार सतकार जो नवजोत सिंह सिद्धू जी ने जो अपनी बाणी च जो अपनी जवानी पंजाब दे लोकां नाल एक वादा किया सी कि वह ड्रग्स दे कलंक नूं ला के दम लैणगे ते इहदा जिहड़ा मुख सूत्रधार है उहदे खिलाफ़ बनदी कारवाई होवेगी। अज ये कहिंदे भी मैनूं संकोच नहीं है कि पिछले समय कैप्टन साहब ने बादल साहब ना जो कथित अपना गठजोड़ रखिया यह नतीजा सी कि यह जी कार्रवाई है देरी नाल हुई। आज पूरा पंजाब एक गल नूं समझ चुकिया है, जिस तरह अकाली दल पिछले दिनों तो पुलिस के अफसरों नूं धमकियां दिंदा आ रहा है कि जे कार्रवाई की जे कुछ किया ऐं कर देंगे वो कर देंगे, उत्थों स्पष्ट हुंदा है कि पंजाब की पुलिस के उत्ते राजनीतिक दबाव इन्ना क सी कि जिहड़ी कार्रवाई है देर नाल होई। इत्थे ताईं कि जिहड़े अधिकारी इहदी जांच लगे हुए सी वह खुद कई रिजाइन दे के अज सियासत च आ गया। उन्हें पता कि सियासी बहुत ज़्यादा दबाव सी पुलिस के उत्ते। लेकिन मैं चाहना माण महसूस करदा कि सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय जी ने जिथे आ पहला कदम कलंक नूं जो ड्रग्स दा सी मिटाउण लई FIR दर्ज की है, उत्थे समुची पंजाब की जिहड़ी पुलिस है वह भी हुण भै मुक्त ते नवीं जिंदगी दे नाल अगे काम करेगी और यह जिहड़ा कलंक है पूरी तरह पंजाब चो खत्म होगा, यही असीं आस करदे हां। अज मैं कौंसलर मोनू खिंडा वार्ड नंबर 7 तों जो अज ड्रग्स के मामले ते बिक्रमजीत मजीठी उपर जिहड़ी FIR दर्ज हुई है अज बहुत ही सलाघा जो कदम अज साडी पंजाब सरकार साढ़े कानून ने चक्या, साढ़े DGP चट्टोपाध्याय जी ने और साढ़े हरप्रीत सिंह सिद्धू जी ने जो कि इस मामले की जांच कर रहे थे, सारे जानते हैं कि 10 साल सरकार अकालियां दी चिट्टे नूं जिन्हां ने बढ़ावा दिता बिक्रम मजीठिए ने साडी नौजवान पीढ़ी खत्म करके रख दी इन्होंने, और जितनी साडी सरकार बनी है साडी सरकार उस दिन तो ये चीज़ नूं कर रही है कि इहदा जो पिछे सरगना बिक्रम मजीठी आ, पर अज जो FIR दर्ज हो गई आ साडे जिहड़े नौजवान जिहड़े इस चिट्टे विच बुरा ठुप चुके सी अज उन्हां नूं जिहड़े उन्हां दे परिवार सी क्योंकि चिट्टे ने घरों के घर उजाड़ के रख दते, पर मैं इन्ना पता वा कि जो अज FIR दर्ज हुई है जो चिट्टे का माफिया वा जो सरगना है अज ठप ठल पै जाऊगी
और मैं आस है कि आने वाले टाइम साढ़े पंजाब चिट्टा खत्म हो जाएगा। जो अज एफ आर आई हुई है बहुत ही वधिया सलांघा जो कदम आ पंजाब सरकार का और साड़ी कानून का। देखो सानू तो यह पता ही सी इन्होंने पिछले दिनों च तीन DGP बदले ये हिस्ट्री वेख लो भी DGP जिहड़ा हुंदा है उन्हूं ऐ बदलिया नहीं जांदा सिर्फ इस करके कि बादलां नूं ते मजीठे नूं फड़ के अंदर ते पहले तक कोई मन्ने नहीं अगले दे बगैर वजह नाल असीं क्यों किसी नूं अंदर देगी ते सानूं तां मुश्किल है ते हुण इह नवां लैंदा चलो मैं किसी दी नहीं करदा मैं तां ना तुसीं कानूं औखे होने मैनूं ही लै जुड़ लो जिथे मर्जी लै चलो मैं तां तैयार बैठा ते इस तरह बदलाखोरी की जी नीति है एक कोई जी सरकार करती है उन्हों खमियाजा भुगतना पैदा ये पहली मिसाल नहीं इन्होंने क्योंकि हर तरह न श्रोमणी अकाली दल कमजोर करना चाहती है पंजाब कमजोर करना चाहती मेरे ते भी यह जे सैकड़े परचे किए इन्होंने मैनू तो कदे कोई मैं ना तकलीफ महसूस की है इतों तक कहिंदे कि बादल दा छड्डना नहीं मेरी वाइफ ते भी मुकदमा किया सानू बरी होए मेरा मतलब ये सरकारां जिहड़ियां समझ नहीं सरकार का मतलब की है जदों दरख्त नूं फल लगता वह न्योंदा है कदे बदलाखोरी नहीं करनी चाहिए मेरे जमाने दसो किसी भी कांग्रसी नूं कोई तकलीफ ये कम नहीं हुंदा थोड़ा कम हो रहा है सरकार का कम बदलाखोरी नहीं हुंदा सरकार का कम हुंदा लोगों की सेवा भुल जाना चाहिए भी असं किसी पार्टी जो चीफ मिनिस्टर बन जाए वो तो साझा होंगे वो सारी पार्टियां का लीडर होंगे एक किस्म का तो फिर यह जी गल कर बड़िया शर्मनाक न चलो वाहगुरु इन्होंने भला करे मैं अकाली दल की स्टैप की लैन जा रहा है अकाली दल की स्टैप लैन जा रहा है इस मामले में लेकर यह सारी लड़ाइया लड़ांगे जी अगे भी कोई ये साढ़े वास्ते नवी गल नहीं साढ़े हमेशा ही हूँ इन्हें सारे का शबीर न फड़ो मीठे न फड़ो होर फड़ो तो इस करके असी निंदा कर सकते हैं और असी लड़ाई लड़ांगे जिस तरह की लड़ाई लड़नी पी। लगातार 5 साल तो कांग्रेस सरकार ने सियासत खेलनी शुरू की पहला तो लैके बेअदबी के केस विच भी बादलों नूं अंदर कर देंगे प्रकाश सिंह बादल नूं अंदर कर देंगे सुखबीर सिंह बादल नूं अंदर कर देंगे और झूठा प्रचार जो इन्होंने किया कि सरदार बिक्रम सिंह जी मजीठिया जो नशिया का ड्रग का परचा करने वास्ते लगातार इन्होंने बड़े यत्न किए ते 4.5 साल पहला ते उदा ही लोगों नूं कही जांदे सीगे कि हुण सिट बैठ गई है हुण वो हाई कोर्ट चली गई है पहला केजरीवाल ने जदों ये गल कही सी ते वो माफी मंग के छुट के गया सी उस तो बाद हाई कोर्ट ने इन्हां दीआं फाइलां चक के मारियां ईडी वाले ने कह दिता कि इन्हां दे विच है कुछ नहीं उस तो बाद फिर इन्होंने बहुत ड्रामे करने शुरू कर दिते सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह दी बदल गई चन्नी नूं बना दिता मुख्यमंत्री पर वह बने क्यों सीगे कि असी इन्हूं बिक्रम नूं अंदर करना है सुखबीर सिंह बादल नूं अंदर करना सो टीचा ही जरा सियासी तौर पर यह सी असी सियासी तौर पर जीवित तां रह सकते हैं जे असी इन्हां नूं अंदर करिए लगातार 3 महीने तो रंधावा होम मिनिस्टर बनिया सिद्धू कह रहा सीगा कि यह अंदर क्यों नहीं करते इस तो दिसदा सीगा कि इन्हां ने सियासी तौर के उत्ते मन बना लिया कि झूठा परचा करके असी इन्हां नूं विक्रम नूं अंदर देवांगे विक्रम ते परचा दर्ज करांगे बड़ा दुख होया कि अज इन्होंने जिहड़ा सुपना बनाया होया सी जो इन्हां नूं लिखिया होया सी अज इन्होंने परचा दर्ज करके FIR दर्ज करके ये लोगों नूं जो गुमराह पहला किया चोणां तो पहला जो इन्होंने पहला षडयंत्र रचिया उस तरह अज फिर षडयंत्र जिहड़ा रचना शुरू कर दिता असी पहला भी किया सीगा सारे असी कोर कमेटी लैके गए सी MLA लैके गए सी बादल साहब कोठी नूं चन्नी ते कोठी गए सीगे उदों इन्होंने सानूं अरैसट कर लिया मिल नहीं दिता असी इसे करके गए सी वी जिहड़ा परचा तुसीं दर्ज करना वह अज ही करो असी विक्रम भी आया तो असी भी आए हैं सानू चक के अंदर दे दो सारी सारी लीडरशिप नू अंदर दे दो जे तुहाडे राज इस तरह ना आ सकता है जे तुसी दोबारा सरवाइव तां कर सकते हो कि जे
अकाली दल की लीडरशिप के उत्ते झूठे परचे करके सियासी परचे करके तुसी अंतर दियो तो फिर समझ लो कि तुसी सरकार बना लोगे जे तुहाडा यह भी चाहते उन्हें पूरा कर लो। अज बड़ा दुख है कि वह अज इन्होंने पूरी गल इसलिए की कि डीजीपी रातों रात बदल के ताही डीजीपी लाया सी और एक शर्त रखी सी कि जे बाकी अफसर जान नहीं होंगी तो तू अपनी कलम के नाल किस तरह दर्ज कराएगा। सो बहुत दुख है कि अज सियासत किधर चल पई है, अज कहड़े पासे नूं सियासत चल पई है कि अज श्रोमणी अकाली दल की चढ़त नूं वेख के सरदार सुखबीर सिंह बादल बाकी पार्टी दिन रात एक जो कर रही है उहदी चढ़त नूं वेखदिआं होइआं अज श्रोमणी अकाली दल दे लीडरां नूं हरास करन वास्ते जो इन्होंने अज एफआईआर दर्ज कीती है जिन्नी निंदा इहदी कीती जावे उन्नी थोड़ी है। पर मैं यह गल कहना चाहनी हां कि पंजाब सरकार सारे लीडरां नूं भी अंदर दे देगी ना, अज श्रोमणी अकाली दल नूं लोकी जो सत्कार दे रहे हैं जो भरोसा जो विश्वास उन्होंने कर रहे हैं मैं समझदी हां कि अज श्रोमणी अकाली दल लोगों के घर जो पहला भी बड़ी हुई सी अज भी घर च बैठी हुई है यह कभी इन्हों पिछे नहीं कर सकती ना कोई सारा नुकसान कर सकती है और सानू कि परचे तो डरे कभी अज तक जिन्हें मर्जी परचे कर लन जिन्हां दे लीडरां ने जिन्हां दे मुखिया ने 16-16 साल जेल कट्टी होवे 3-3 साल लगातार जेलां च रहे होण जिन्होंने एमरजेंसी वर्गियां तकलीफां झलियां होण अज जे श्रोमणी अकाली दल डराउणा चाहणगे इन्हां गल्लां तों असीं डरदे नहीं। पर कूड़ नहीं खुट्टा नानका ओरख सच रे झूठ झूठ ही रहना जो मर्जी ये करी जान यह सच जरा सच रहेगा। मैं इसकी निंदा भी करती है समझती है कि सरकार नूं चैलेंज भी है कि तुसी जो करना करी जाओ श्रोमणी अकाली दल दे लीडर इस गल ते नहीं डरनगे ना वर्कर डरनगे ना लीडर डरनगे ना पंजाब दे वोटर जेड़े है इन्हां तों डर के रहणगे। अग्गे भी इन्होंने कुछ किया पंजाब दे वोटरां ने श्रोमणी अकाली दल खड़े होकर दस्सिया। लुधियाणा तों कैमरामैन सलमान दे नाल राजेश मेहरा की रिपोर्ट सिटी होम न्यूज।